ऑलराइट दोस्तों, मैं धीरज सेंटम एकेडमी की तरफ से आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। मैं यहां पर एक ऐसी चीज डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि यूजुअली इग्नोर हो जाती है जब हम हीट ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं, एंड मोर स्पेसिफिकली जब हम कंडक्शन की स्टडी कर रहे होते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर एक ऐसा केस हम डिस्कस करेंगे जो कि यूजुअली हम लोग केटर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, पहले ये देख लेते हैं कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर एक कंडक्शन सिनारियो की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्रेड 11th में हीट ट्रांसफर की स्टडी की होगी तो आपने इस चीज के बारे में तो डेफिनेटली जाना ही होगा कि जैसे एक रॉड है हमारी यूनिफॉर्म रॉड, इस टेम्परेचर को T1 ले लूं और इसको T2 ले लूं और मैं मान लूं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो एट स्टडी स्टेट मैं अगर हीट ट्रांसफर के बारे में बात करूं, यहां से जो हीट ट्रांसफर हो रही है T2 की तरफ, तो उसका जो फॉर्मूला दोस्तों आता है dQ/dt, वो हमने कितना बार लिखा है दोस्तों, kA T1 - T2/L, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में दोस्तों बहुत सारे अजम्पशन भी छुपे हुए हैं। तो अजम्पशन नंबर 1 दोस्तों है कि हीट ट्रांसफर इस डायरेक्शन में ही हो रही है। देयर इज नो हीट ट्रांसफर दैट इज हैपनिंग इन दिस डायरेक्शन, तो सरफेस के अक्रॉस कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। ऑलराइट, तो ये आप याद रखिए। दूसरा जो अजम्पशन है दोस्तों वो यही है कि एक स्टडी स्टेट सिनेरियो है। तीसरा अजम्पशन है कि हम कोई हीट बीच में जनरेट नहीं कर दे रहे हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने कुछ फ्लेम लगा दिया तो यहां से भी तो हीट जाएगी दोस्तों इस तरह से। राइट, तो बहुत सारे अजम्पशन है दोस्तों, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर मैं एक सिलेंड्रिकल शेल ले लूं, यहां पर मैं इस तरह का अगर ये शेल ले लेता हूं सिलेंड्रिकल, तो रादर देन इग्नोरिंग दिस हीट ट्रांसफर जो कि लैटरल सरफेस पे है, अगर मैं इग्नोर करूं कि हीट ट्रांसफर यहां पे नहीं हो रही है, मतलब अलोंग द लेंथ अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है और हीट ट्रांसफर हो रही है इस तरह से लैटरल सरफेस से अगर हीट ट्रांसफर हो रही है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों, तो हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। तो सिमिलरली अगर हम इस तरह से डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो मैं एक और सिनेरियो लूंगा आज की वीडियो में जो कि एक स्फेरिकल शेल होगा। इस तरह से उसमें कैविटी होगी और यहां पर हम लोग बात करेंगे रेडियली जो हीट ट्रांसफर हो रहा है dQ/dt कंडक्शन के द्वारा, उसका क्या फॉर्मूला है। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहां पर दोस्तों एक स्फेरिकल शेल आपको दिख रहा है, एक सरफेस अंदर होगी उसका टेम्परेचर मैंने मान लिया है T in है, और एक सरफेस बाहर होगी उसका टेम्परेचर T out ले लिया है। तो आप किसी भी टेम्परेचर को हाई और लो मान सकते हैं, हीट ट्रांसफर यहां पर रेडियल डायरेक्शन में होगी। ऑलराइट, सिमिलरली अगर मैं यहां पर एक सिलेंडर के बारे में बात करूं, तो ये भी एक हॉलो सिलेंडर है, एक इनर सरफेस है दोस्तों और एक आउटर सरफेस है। ऑलराइट, तो इनर सरफेस का टेम्परेचर T in, आउटर का T out है, तो यहां पर भी दोस्तों जो हीट ट्रांसफर है वो भी इस तरह से हो रहा है, ये अलोंग द लेंथ नहीं हो रहा है दोस्तों, ये चीज आप याद रखिएगा। तो हम इन दो सिनेरियो के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं फॉर्मली स्टेट कर दूं सिनेरियो को, तो ये है दोस्तों जो हम लोगों को निकालना है। ऑलराइट, और याद रहे हम लोग यहां पर एक स्टडी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। स्टडी स्टेट क्या होती है दोस्तों? स्टडी स्टेट एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें विथ टाइम चीजें चेंज नहीं होती हैं। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर हीट ट्रांसफर उस सिनेरियो में जहां पर सिलेंडर या स्फीयर का कोई भी हिस्सा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, नेट अगर वो हीट एब्जॉर्ब करेगा दोस्तों, तो उसका टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होगा, तो वो जो भी हीट लेता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है विदाउट एब्जॉर्बिंग
एनीथिंग नेट नेट। तो जैसे कि यहां से हीट एंटर करेगी उतनी की उतनी हीट निकल जाएगी, जिस तरह से आपने एक रॉड में जब आपने कंसिडर किया था दोस्तों, तो हमने यहां पे ये माना हुआ था कि डीक्यूबाइडिटी ये वाला, डीक्यूबाइडिटी मिड ऑफ द रॉड एंड डीक्यूबाइडिटी एट द एंड, ये तीनों रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल होते हैं स्टेडी स्टेट में। तो सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो यहां पर भी है, जस्ट दैट हीट ट्रांसफर इज हैपनिंग इन द रेडियल डायरेक्शन दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर हम एक एक करके सिनेरियो लेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम फॉर्मूला उसका डिराइव कर सकते हैं। राइट, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक सिलेंडर का सिनेरियो लेंगे। तो आप यहां पे क्लियरली देख पा रहे होंगे मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी मार्क करके रखी हुई हैं। यहां पर इनर टेम्परेचर Ti है और आउटर टेम्परेचर To लिया हुआ है मैंने, और ये एरोस कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है। तो क्लियरली क्योंकि हीट ट्रांसफर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, तरह से मैंने एज्यूम किया हुआ है कि Ti इज ग्रेटर देन T नॉट। ऑलराइट, अब दोस्तों मुझे सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है कंडक्शन के बारे में, राइट, जो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, dQ by dT इज इक्वल टू Ka T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। ये फॉर्मूला पता है मुझे। अब मुझे तो ये दोस्तों ये जो फॉर्मूला है इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, माइनस के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। तो इसको मैंने हल्का सा मॉडिफाई कर दिया दोस्तों, टी वन माइनस टी टू जो है माइनस ऑफ डेल्टा टी होता है, क्योंकि डेल्टा टी तो टी टू माइनस टी वन होगा, राइट, तो माइनस ऑफ डेल्टा टी टी वन माइनस टी टू हो गया, और लेंथ को मैंने डेल्टा एक्स लिया हुआ है। अब ये दोस्तों ऐसा करके मुझे क्या फायदा होगा इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो ऐसा करके दोस्तों मुझे एक यहां पर डिफरेंशियल फॉर्म मिल जाएगा इक्वेशन का, जो कि के ए डी टी बाई डी एक्स कुछ इस तरह से होगा। अब इस डिफरेंशियल फॉर्म के फायदे काफी सारे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप ध्यान से देखिए, जब हीट ट्रांसफर हो रही है दोस्तों इस तरह से, इस डायरेक्शन में जब हीट ट्रांसफर हो रही है, तब जो एरिया परपेंडिकुलर टू हीट ट्रांसफर है वो एरिया क्या कांस्टेंट रह रहा है या चेंज हो रहा है? तो आप पाएंगे दोस्तों जो एरिया हीट एनकाउंटर कर रहा है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हीट अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो एरिया परपेंडिकुलर टू दी हीट ट्रांसफर है दोस्तों उस एरिया का वैल्यू है 2 पाई आर एल। तो अगर मेरी आर यहां पे चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली एरिया ए चेंज हो रहा है। तो इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला मुझे पता है दोस्तों, इस फॉर्मूले में मैं ए क्या रखूंगा, यहां पर मैं कुछ यहां पर ए की वैल्यू नहीं रख पाऊंगा। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर हम लोग कैलकुलस का थोड़ा हेल्प लेंगे। मैंने यहां पर एक डॉटेड लाइन बना के रखी है दोस्तों, इस डॉटेड लाइन के अक्रॉस अगर मैं डी आर थिकनेस का अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं जो कि इस तरह से है, थ्रू आउट द सिलेंडर ये जाएगा दोस्तों, ये एक पतला सा सिलेंडर मैंने एज्यूम किया हुआ है डी आर थिकनेस का। तो इस डी आर थिकनेस की ये खूबी है दोस्तों कि इस डी आर थिकनेस का एरिया ऑलमोस्ट मैं 2 पाई आर एल ले सकता हूं अगर इसका रेडियस आर है। अगर मैं मोटा थिकनेस लूंगा, ये पूरा का पूरा इनिशियली ही ले लूंगा आर आई टू आर नॉट, तब मेरा एरिया वेरी करेगा बहुत ज्यादा। लेकिन अगर मैं सिर्फ डी आर थिकनेस का हॉलो सिलेंडर लूंगा एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा एरिया कॉन्स्टेंट है, राइट। लेकिन क्योंकि मैंने डी आर थिकनेस का लिया हुआ है तो मुझे यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो एग्जैक्टली उसी लिए दोस्तों हम लोग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का डिफरेंशियल फॉर्म यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इस चीज को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं डी आर थिकनेस पे यूज करके dQ by dT आराम से लिख सकता हूं दोस्तों। dQ by dT हो जाएगी माइनस ऑफ k, एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल dT by dx। अब dx यहां पर dr ही है दोस्तों, क्योंकि हीट ट्रांसफर
के डायरेक्शन में मुझे थिकनेस लेनी है, राइट। जब आपके पास रॉड का सिनेरियो था उस समय हमने क्या किया था, इस डायरेक्शन में ही हमने लेंथ कंसिडर किया था, राइट। तो सिमिलरली यहां पर रेडियल डायरेक्शन में मेरा हीट ट्रांसफर हो रहा है तो थिकनेस भी रेडियल डायरेक्शन में ही लूंगा मैं, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि हमने कैलकुलस का हेल्प क्यों लिया है। अब यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने जब जाएंगे आप तो आपको लगेगा कि जैसे बहुत सारे वेरिएबल हैं और ये बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करना, लेकिन दोस्तों याद रहे आप लोग यहां पर स्टडी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप स्टडी स्टेट की सिनारियो ले रहे हैं दोस्तों, तो dQ/dt हालांकि ये एक डिफरेंशियल फॉर्म में लग रहा है, लेकिन dQ/dt स्टडी स्टेट में कांस्टेंट होता है। तो dQ/dt पूरे के पूरे को आप एक तरह से कांस्टेंट मान सकते हैं। तो dQ/dt आप लिखे यहां पर इस तरह से dR/r क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा माइनस ऑफ 2πkL(dt). तो इस तरह से दोस्तों dQ/dt आउट ऑफ इंटीग्रल आ गया क्योंकि dQ/dt कांस्टेंट है और r की वैल्यू दोस्तों RI/RO हो गया, टेम्परेचर की वैल्यू दोस्तों TI/TO हो गया, ऑलराइट। तो dR/r का जो इंटीग्रल होता है दोस्तों वो लॉन्ग r होता है, सो लॉन्ग r नॉट माइनस लॉन्ग RI विल बिकम लॉन्ग ऑफ R0/RI। तो मैं लॉन्ग करके इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपको क्लियर रहे कि ये लॉग टू द बेस e है, नेचुरल लॉग है। तो माइनस 2πRL(t0-ti). अब बस आ गया हमारा आंसर दोस्तों। सो dQ/dt हो जाएगा TI-T0/(1/2πRL)ln(R0/RI). अब आपको लग रहा हो कि मैंने ये डिनोमिनेटर में इस तरह से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये डिनोमिनेटर को एक तरह से बोल सकते हैं कि ये थर्मल रेजिस्टेंस है रेडियल हीट ट्रांसफर के लिए इन द केस ऑफ हॉलो सिलेंडर, ऑलराइट। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन एकदम क्लियर हो गई होगी। अब हम दोस्तों हॉलो स्फेरिकल सिनेरियो के बारे में बात करते हैं, ऑलराइट। तो ये रहा दोस्तों एक हॉलो स्फेरिकल केस जहां पर एक कैविटी है और इनर जो वॉल है उसका टेम्परेचर TI है, आउटर का T0 है और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हीट ट्रांसफर कुछ इस तरह से रेडियल डायरेक्शन में हो रही है, ओके। और क्योंकि मैं स्टडी स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं, dQ/dt अगेन विल बी अ कांस्टेंट, फाइन। अब यहां पर भी दोस्तों जैसे जैसे हीट आगे की तरफ बढ़ेगी एरिया जो उसके परपेंडिकुलर में है वो चेंज होते जाएगा, क्योंकि जो एरिया की वैल्यू है वो 4πR² है सरफेस एरिया। तो जैसे जैसे हीट आगे की तरफ बढ़ेगी आर चेंज होगा सो एरिया भी चेंज होगा, राइट। तो इसलिए दोस्तों यहां पर भी एक डिफरेंशियल एलिमेंट लूंगा मैं, तो ये एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r मैंने dr थिकनेस की एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले ली ताकि मैं ये बोल सकूं कि एरिया इस थिकनेस के अक्रॉस यूनिफॉर्म है क्योंकि थिकनेस बहुत कम है। सो dQ/dt हो जाएगा माइनस ऑफ kA(dt/dr) और इन दिस केस मैं लिखूंगा dQ/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ k, एरिया इज 4πR²(dt/dr). सो यहां पे एग्जैक्टली वही करना है दोस्तों, dQ/dt dR/r² इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4πkdt। ये मुझे अब इंटीग्रेट कर देना है, मेरी जो वैल्यू है r की वो जाएगी RI से R0 तक और टेम्परेचर जाएगा TI से T0 तक, फाइन। तो मेरे ख्याल से आप
बहुत क्लियरली फॉलो कर पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप बिना किसी संकोच के कमेंट में आप अपना मैसेज रख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई फटाफट कर दूंगा। राइट, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4πkT0-TI। अब दोस्तों क्योंकि RI R0 से छोटा है तो 1/RI 1/R0 से बड़ा होगा, तो ये जो ब्रैकेट का टर्म है ये नेगेटिव है, तो मैं ये माइनस अंदर ले लूंगा और कुछ इस तरह से dQ/dt मैं लिख दूंगा। dQ/dt आएगा दोस्तों TI-T0/1/4πk×1/RI-1/R0। तो ये जो आप डिनोमिनेटर में दोस्तों देख रहे हैं ये चीज थर्मल रेजिस्टेंस है फॉर द केस ऑफ हॉलो स्फेरिकल। फाइन, सो आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा और आप डेफिनेटली इससे रिलेटेड मैं कहूंगा कि आप 2-3 सवाल खुद से ढूंढिए। डेफिनेटली आपके पास जो भी बुक है उसमें आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जरूर पाएंगे और आप इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर मत कीजिएगा। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज धीरज फ्रॉम सेंटिफिक एकेडमी साइनिंग आउट।